फाइनली हमने गूगल आंटी को हरा दिया, बट कैसे? हर हर महादेव। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा, हम लोग सुबह 6:30 गए थे भगवान काल भैरव के दर्शन करने। उसके बाद आके ब्रेकफास्ट करके हम लोगों ने 11 बजे उज्जैन से चेकआउट किया था और हम आए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर के हम लोगों के दर्शन अभी हो चुके हैं। हम अभी जा रहे हैं डिनर करने। अद्वैतम रेस्टोरेंट में हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं जो ओंकारेश्वर में ही है। इट्स 8:45, हम लोगों का डिनर हो चुका है। हम लोगों ने डिनर अद्वैतम रेस्टोरेंट में ओंकारेश्वर में ही किया है। हम लोगों का प्लान है कि सीधा घर जाना। एक्चुअली यहाँ से घर का डिस्टेंस है 595 किलोमीटर, गूगल के हिसाब से 12 घंटे लगने वाले हैं। हम लोग प्रोबेबली 9:15 तक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलो देखते हैं कैसी होती है ये जर्नी। हमें जाना है ओंकारेश्वर टू हमारे घर यानी पुणे। इसका जो डिस्टेंस है वो गूगल बोल रहा है 595 किलोमीटर है, जिसके लिए अप्रोक्सीमेट 13 आवर्स लगेंगे। इसके लिए जो ये रूट है वो है ओंकारेश्वर धुड़े, उसके बाद चांदवड़ से फिर से हाईवे पकड़ के चाकण एंड फिर से हमारा घर। बट हम लोग ये रास्ता लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि ये चांदवड़ से लेकर ये संगमनेर वाला रास्ता काफ़ी सुनसान रहता है। हम लोग यहाँ पे रात के टाइम में रहेंगे तो नासिक से आना हम लोग प्रेफर करेंगे। इसके लिए 13 आवर्स तो लगने वाले हैं। चलो फिर देखते हैं कि कैसी होती है ये जर्नी। डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट से निकलने के लिए 9:30 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। हमें पकड़ना है मुंबई आगरा हाईवे, तब तक ये सिंगल लेन रोड ही रहेगा। अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेट 85 किलोमीटर ये सिंगल लेन रोड पे कवर किए हुए हैं। हमें पकड़ना है मुंबई आगरा हाईवे जो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। In 200 meters, merge with Mumbai Agra National Highway, National Highway 52. Finally, सिंगल लेन रोड छोड़ के हम लोग पहुँच गए मुंबई आगरा हाईवे। हमने घाट सेक्शन क्रॉस किया है और हम महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं। 2 साल पहले हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया ट्रिप किया था, उस दौरान हम पुणे से गुना गए थे day 1 में। तो हम लोगों ने ये रास्ता उस टाइम पे एक्सप्लोर किया था, तो वो डे टाइम था। आज हम नाइट में ड्राइव कर रहे हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे उसका आई बटन दे देती हूँ। घाट क्रॉस करके हम लोग एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में। हमने डिसाइड किया था महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद ही गाड़ी में डीजल डलवाया जाए, इसलिए अभी हम लोग आए हैं डीजल फिल करने। महाराष्ट्र में डीजल MP से सस्ता है। टाइम हो रहा है 12:30 AM। यहाँ से धुले सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। MP में डीजल 94.75 था, वेयरएज इन महाराष्ट्र 92.73। धुले के पास हमें स्मॉग मिला। देखो विजिबिलिटी थोड़ी कम है, ऐसा लग रहा है हम लोग बादलों के बीच में से जा रहे हैं। हम लोग चांदवड़ टू सिन्नर वाला रास्ता नहीं लेंगे, हम लोग जाएंगे हाईवे से सीधा नासिक तक, नासिक से सिन्नर देन चाकण एंड देन पुणे। हम धुले के बाईपास पे हैं। टाइम हो रहा है 1:00। नासिक इज जस्ट 152 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हम अभी मालेगांव बाईपास पे है। ये सामने देखो, ये है होटल सुख सागर। जब हम कटरा गए थे तब हम लोगों ने हमारा ब्रंच इसी रेस्टोरेंट में किया था। ये मालेगांव के आउटस्कर्ट्स में है। इनका फूड टेस्टी है, होटल काफी बड़ा है, पार्किंग की स्पेस भी अच्छी है और खाना तो लाजवाब है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो। हम जब धुले के यहाँ पे थे, जब बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में आए थे, तब आप देख पा रहे हो तो रास्ते पे कितने सारे ट्रक थे, कितना ट्रैफिक था। अब नासिक यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर बचा हुआ है और रास्ता काफ़ी सुनसान है। टाइम हो रहा है सुबह के 2:50। हम नासिक सिटी क्रॉस कर रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, इसलिए कोई भी रोड पे नहीं है। अदरवाइज दिस इज वेरी क्राउडेड स्ट्रीट।
स्लाइड राइट ऑन टू नेशनल हाईवे 60 पुणे राइट। हम सिन्नर के पास है। हम जब 2 साल पहले कटरा जा रहे थे तब यही रूट लिया था। सिन्नर से हम लोग चांदवड़ गए थे। वो वाले वीडियो में आप देख सकते हो ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये 2 साल के बाद हम लोग आए हैं, आज इस ब्रिज से ट्रैवल कर रहे हैं। वाओ, ये सामने देखो, ये है समृद्धि महामार्ग। ये वाराणसी वाली जो सीरीज है जिसमें मैंने समृद्धि महामार्ग पे ड्राइविंग की थी, वो थे जालना से नागपुर तक। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं उसका भी आई बटन यहाँ पे आपको दे देती हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग हैं संगमनेर बाईपास पे। हमारा घर यहाँ से अप्रोक्सीमेट 160 किलोमीटर है। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। हम चंदनापुरी घाट से गुजर रहे हैं। इसका डे टाइम का व्यू काफी खूबसूरत है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देती हूँ। कल हम लोग सुबह 5:30 को उठे थे, उसके बाद 6:30 को रेडी होके काल भैरव मंदिर पहुंचे थे। हमारा पूरा दिन वैसे भी हेक्टिक ही था क्योंकि हम लोग उज्जैन से ओंकारेश्वर ड्राइव करके गए थे। दर्शन में भी हमें काफ़ी टाइम चला गया, तो हम लोगों ने हमारी जर्नी रात में स्टार्ट की। अभी टाइम हो रहे सुबह के 4, तो थोड़ी नींद आ रही थी, हमारा स्टैमिना थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा लो फील हो रहा था। बट हमें जो दिखाई दे रहा था सामने, वो चाकन का ट्रैफिक, बिकॉज चाकन में इंडस्ट्रियल एरिया, वो सुबह 5:30 से ही वहाँ पे ट्रैफिक होना स्टार्ट हो जाता है। हमें 6:00 से पहले ये एरिया क्रॉस करके जाना था। दैट वॉज द ओनली ड्राइविंग फैक्टर फॉर अस। टाइम हो रहा है सुबह के 5:45 और देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। हम लोग फाइनली चाकन पहुंच चुके हैं। 6:30 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव रीच्ड आवर होम। हम लोगों ने सुबह 11 बजे हम लोगों की जर्नी स्टार्ट की थी उज्जैन से। हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया, देन हम गए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर का रास्ता काफ़ी ख़राब था और हम लोग ओंकारेश्वर 2:15 पहुंच गए। बट ओंकारेश्वर अगर जाते हैं तो ओंकारेश्वर एज वेल एज ममलेश्वर दोनों जगह पे आपको जाके दर्शन करना होता है, तब जाके एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट होता है। तो ये करके हमें बज गए शाम के 6:30। उसके बाद हम लोगों ने किया हमारा डिनर और हम लोगों ने स्टार्ट किया ओंकारेश्वर से। तब हमने गूगल में देखा कि घर जाने के लिए 13 आवर्स लग रहे थे। गूगल बोल रहा था हम पुणे में 10 बजे पहुंच जाएंगे। वो 13 आवर देख के हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े और हम यहाँ पे पहुंच गए सुबह 6:30 को। इस प्रकार टुडे इज द डे 10th ऑफ आर ट्रिप एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ आर ट्रिप। और इसी प्रकार हम लोगों की वाराणसी ट्रिप खत्म हो गई। वैसे तो हमने 4000+ किलोमीटर की कई सारी ट्रिप की है विथ आर स्कॉर्पियो, बट बिग डैडी के साथ की हुई ये 4000+ किलोमीटर की लंबी जर्नी वाली ट्रिप फर्स्ट है। हमें स्कॉर्पियो का परफॉर्मेंस बड़ा ही दमदार लगा। आज का ही एग्जांपल लो, हम ओंकारेश्वर से 9:30 निकले थे, गूगल बोल रहा था 13 आवर्स लगेंगे, बट 6:30 को हम लोग पुणे में पहुंच गए बाय टेकिंग समथिंग 15 मिनट्स ऑफ डीजल फ्यूलिंग एंड बायो ब्रेक। तो ये मुझे परफॉर्मेंस बड़ा ही दमदार लगा, इसीलिए कूडोस टू स्कॉर्पियो एंड लवली बिग डैडी। आपने वाराणसी ट्रिप को जो सपोर्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू। एंड इसी प्रकार फैमिली ट्रिप्स देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर योर टाइम।